वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सिलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते आज के मुख्य समाचार। कोरोना काल में भी सरकारी कर्मचारियों को घर बैठना पसंद नहीं, फिर से जारी करना पड़ा आदेश। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को रोज ऑफिस आना पसंद है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकारी दफ्तरों में 10% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने के आदेश को सरकारी विभाग ही नहीं मान रहा है। सरकार के इस आदेश की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र क्या कर रहा। देश में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात का स्वागत संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। खासतौर पर कोरोना वैक्सीन के अलग अलग दामों पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख रुख अपनाया और पूछा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। आदेश के बाद भी दिग्विजय शिक्षकों के आश्रितों को नहीं मिल रही अनुग्रह राशि। स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 366 शिक्षक अधिकारी व कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन दिग्विजय के आश्रित परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए संबंधित परिवार या संख्या प्रमुख की ओर से संकुल केंद्र में पदस्थ वेतन हरण अधिकारी को सूचना भेजी जाती है। मध्य प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं पर अभी नहीं हुआ फैसला। एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 बोर्ड द्वारा सोमवार 26 अप्रैल 2021 को जारी नोटिस के अनुसार मंडल की हाई स्कूल परीक्षा के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कक्षा 10वीं-12वीं की परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लिए जाने के बाद शीघ्र अवगत कराया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना पर चलती रही चर्चा, परीक्षा पर नहीं हो पाई। मप्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर असमंज की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को इसको लेकर अंतिम निर्णय होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की व्यवस्थाओं के कारण परीक्षा को लेकर चर्चा नहीं हो सकी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए। एमपी में लगातार सुधर रहा रिकवरी रेट, ऑक्सीजन संकट में भी मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल लगातार रिकवरी रेट में सुधार आने से अब देश में दूसरी राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति में भी सुधार आया है। रिकवरी रेट बढ़ने से मध्य प्रदेश देश में 7वें से 11वें नंबर पर आ गया है। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर। सीरम इंस्टीट्यूट ने 400 रुपए में एक डोज खरीदेगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 1 मई से होगी और सरकार ने इसके लिए 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया है। कोविशील्ड की कीमत कम होने के चलते सरकार ने पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है। इटारसी यार्ड में 10 डिब्बों की ऑक्सीजन एक्सप्रेस तैयार। कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए देश भर में भारतीय रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। रेलवे ट्रैक पर ग्रीन कॉरिडोर कर कम समय में ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल भी प्राण वायु पहुँचाने में पीछे नहीं है। सरकार ने बढ़ाई कोरोना योद्धा योजना। गृह मंत्री नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए पुलिस जवानों के लिए कोरोना योद्धा योजना 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अगर कोई जवान कोरोना ड्यूटी करते हुए शहीद होता है योजना अंतर्गत, तो उसे 50 लाख की राशि दी जाएगी। स्टेशन जाने से पहले देख लें लिस्ट, कई ट्रेनें कर दी गई है रद्द।
तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद से भी सभी जगह खतरनाक माहौल बना हुआ है। लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, पाबंदियां, मरीज और स्वास्थ्य उपकरणों की कमी होना शुरू हो गई है। पिछले साल अनलॉक के बाद पटरी पर लौटी रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया। पॉजिटिविटी रेट घटकर 23% से नीचे हुआ। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,25,000 के ऊपर पहुंच गया है। सोमवार को प्रदेश में 13,417 मरीज मिले हैं, लेकिन 7 दिनों में सबसे कम पॉजिटिविटी रेट 23% से नीचे हो गया है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा 10,600 करोड़ का 53 लाख टन गेहूं। कोरोना संकट के बीच सरकार ने अब तक 53.69 लाख टन गेहूं खरीदा है। इस गेहूं की खरीद की कीमत 10,600 करोड़ रुपए है। इसमें से 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना के चलते खरीद की गति धीमी हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए नहीं होगा इंटरव्यू। अगर आप बेरोजगार हैं और आप अपना खुद का कोई धंधा शुरू करने की तैयारी में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केवल युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 19 रुपए में गैस सिलेंडर खरीदने का आखिरी मौका। जल्द उठाएं ऑफर का फायदा वरना निकल जाएगा हाथ से। गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम 819 रुपए चल रहा है। इस बढ़ती महंगाई में भी आप सस्ते में गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। अब किसी भी गैस एजेंसी से करा सकेंगे एलपीजी रिफिल। रसोई गैस को लेकर सबसे बड़ी समस्या को मोदी सरकार जल्द ही दूर कर सकती है। वो समस्या सिलेंडर को किसी भी एजेंसी से रिफिल करवाने की। अब तो होता यह है कि जिस कंपनी का सिलेंडर हमारे पास है, हमें उसी कंपनी से उसे रिफिल कराना होता है। आने वाली है एक और किस्त। आपने तो नहीं की ये गलती, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान। कोरोना संकट काल में किसानों के सम्मान निधि की एक और किस्त आने वाली है। इस किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को मई तक 2,000 रुपए बैंक अकाउंट में आने की उम्मीद है। हालांकि कुछ गलतियों की वजह से आपको किस्त आने के बावजूद परेशानी हो सकती है। कोरोना से आरटीओ बंद। कोरोना की दूसरी लहर के कारण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। इस कारण उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है जिन्होंने जनवरी और फरवरी में वीआईपी नंबर लिए थे। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू हो जाने पर एआईएसआईएस प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर पिछले तकरीबन 5 महीने से किसान प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। उनकी जिद है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से वापस लिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना संचालित 51 स्वास्थ्य सुविधाओं में अनुबंध के आधार पर अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। रक्षा मंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। बेकाबू कोरोना वायरस पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जानलेवा बनी हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस की भेंट चढ़ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इसको राष्ट्रीय संकट बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भयानक स्थिति में वह मुख दर्शन नहीं बना रह सकता। पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को टीका लगवाना अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए अब टीकाकरण ही प्रभावी उपाय नजर आ रहा है। कोरोना टीका के तीसरे चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाने की शुरुआत हो रही है।
पुलिस मुख्यालय भी इस टीकाकरण को लेकर बेहद गंभीर है। सीईओ की आयु सीमा व कार्यकाल किया तय। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने बोर्ड के चेयरमैन, मीटिंग बोर्ड की विभिन्न समितियों के सदस्य के संयोजन आयु, कार्यकाल, निदेशकों के वेतन की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश में जारी किए हैं। आरबीआई ने देश के प्राइवेट सेक्टर के बैंक के प्रबंधन निदेश सीईओ और पूर्णकालिक निदेश के लिए 15 साल का अधिकतम कार्यकाल तय किया है। भारत से सीधी उड़ानों पर ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाई रोक। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सीधी उड़ानों पर 15 मई तक रोक लगा दी है। देश में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की ओर से महामारी के मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बैंकों के मर्जर से बदल गए IFSC कोड। बैंकों के विलय हुए एक साल बीतने को है, लेकिन अब तक व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पाई है। विलय तो हो गया, लेकिन इसके दर्द समान उपभोक्ता भुगत रहे हैं। दरअसल विलय के बाद अब बैंकों की IFSC कोड ही परिवर्तन हो गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।